मिलती है, हम लोग पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अब इनके साथ में वो आके क्या करेंगे, यार इतना सारा तो हमें आता है, मतलब तुमसे ज्यादा पढ़ के आए होंगे, ये सच्चाई है, उसको लेके आएंगे। अब वो तुम्हारे क्लिनिक पे बैठ के, हमारे क्लिनिक पे बैठ के क्या करेंगे, तुम्हारा टेस्ट। डॉक्टर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको साले को नॉलेज है कि नहीं है, इसको आता है कि नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर साहब पता है आपको एमएनडी क्या होती है, आपने नाम सुना है एमएनडी? अब कई बेचारे डॉक्टर्स जिन्होंने नहीं पढ़ा हो एमएनडी, तो ये क्या है एमएनडी, क्या है, बाल को जाने लगेंगे, एमएनडी क्या है, कि एमएनडी लेमन की तो सुनी थी, ये एमएनडी क्या है, ये तो पता ही नहीं है, कंफ्यूजन। अब जिसको पता होगा न्यूरोलॉजी को लेके, खैर एमएनडी शॉर्ट फॉर्म है, मोटर न्यूरॉन डिसीज है ना, कई लोग तो इसी में बोल्ड हो जाएंगे। एमएनडी मतलब, जैसे कई लोग को ऐसा भी रहता है, जैसे मेरे साथ है, मुझे शॉर्ट फॉर्म याद नहीं रहते, मोटर न्यूरॉन डिसीज सारी याद होगी, लेकिन कोई बोले एमएनडी इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म होते नहीं मालूम, नहीं माइंड में उस टाइम क्लिक कर रहे, अब तो बोलो हो क्या रहा है, परेशानी क्या है। अरे सर एमएनडी ना, एमएनडी नहीं जानते आप? पेशेंट को अगर तुमने बोला कि नहीं क्या होता है, तो पेशेंट तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगे सस्पिशियस, ये ठीक नहीं कर पाएगा हमें, कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। अच्छा सर आपने एमएनडी के केस ठीक किए हैं? अच्छा सर आपने थायराइड के कोई केस ठीक किया है? आपने सर इस तरह के कैंसर के केस ठीक हुए? अच्छा कैंसर में होता क्या सर इसमें, तुम बताने लगोगे ऐसा ऐसा है मैकेनिज्म है, तो थोड़े से अच्छे डॉक्टर होते हैं तो एक्सप्लेन भी करते हैं, और एलोपैथी वाले तो बेचारे वो सीधे कह देते हैं अरे दवाई खाओ, अब हम बैठ के कमेंट्री करेंगे क्या? ओके एलोपैथी भी अच्छे होते हैं, वो कमेंट्री करते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर्स दोनों जगह पे अच्छे होते हैं, बेकार हर जगह होते, चाहे होम्योपैथी चाहे एलोपैथी, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग कई लोग बोलते हैं कोई फायदा नहीं, क्योंकि बता के क्या होगा, लेकिन ये लोग सेटिस्फाई नहीं होते। अगर तुमने इनको बोल दिया कमेंट्री करने का कोई फायदा नहीं, हमें पढ़ाने बैठे, तुम्हें पढ़ने आया, दिखाने के लिए आया, एक काम करो दवाई खाओ जाओ, चेंज द डॉक्टर, डॉक्टर बदल लेंगे, क्यों डॉक्टर ने समझी नहीं हमें, फीलिंग ही नहीं समझी हमारी, है ना। तुम वो हमेशा तुम देखोगे किस चीज को लेके, किस चीज को लेके हमेशा बरीड रहते हैं एक सस्पिशन में। तुम्हें आता, हम जिस डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, हम जिसको जिसके हाथों में अपना पूरा हेल्थ लाइफ को सौंप रहे हैं, उसको बाकी नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। और फिर अगेन तुम देखोगे उनके साथ में तो तुम्हें फील हो जाएगा, अगर कोई पेशेंट इस तरीके से बात कर रहा है, जान रहा है, तो तुम्हें तुम्हें माइंड में आना चाहिए एंजाइटी चल रहा है इसके साथ में, पेशेंट के साथ में बहुत ज्यादा, उसको कंसुलेशन चाहिए, और तुम उसे कंसुलेशन दे, जो डॉक्टर जानते हैं एंजाइटी को, तो कंसुल करने की कोशिश करते हैं, और तुम देखोगे कई तो कंसुल हो जाते हैं, और कई तुम जितना कंसुल करोगे वो उतनी क्या होते जाते, तुम्हारे क्वेश्चनिंग बढ़ती जाएगी उनके, तुम आंसर दे दे के परेशान हो जाओगे, उनके नए क्वेश्चन आते जाएंगे, अल्टीमेटली तुम कहोगे यार 200 रुपए तो तुमने दिए हैं, 2000 रुपए का हमारा दिमाग खा लिया, हमें तो भाई साहब दूर ही रहो, ऐसे पेशेंट नहीं चाहिए, तुम इरिटेट होने लगोगे, क्योंकि एक समय होता है, एक लिमिट होता है जवाब देने का भी, पोलाइटनेस का भी एक लिमिट होता है, जब चीजें लिमिट से बाहर होती है, तो तुम्हारी पोलाइटनेस, जो तुम्हारा जो आइडियल जो फिजिशियन है, वो धीमे धीमे क्या होने लगता है, गायब होने लगता है ना। तुम भी फिर वो जो आइडियलिज्म से निकल के किस में आने लगते हो, रियलिटी बेसिस में आने लगते हो, यार पागल समझ रखा है क्या, लेकिन यहाँ पे जाके तुम देख रहे इरिटेट होने का नहीं रहता है। अगर तुम लोग ने पढ़ा होगा तो तुम लोगों के लिए खुशी की बात है, हैप्पीनेस का बात है, क्यों, क्योंकि तुम जो पढ़े हो वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तुम्हें कैसे हैंडल करना है, यही तो टास्क है, यही तो ट्रीटमेंट है। तुम इरिटेट हो रहे, तुम गुस्सा हो रहे, तो तुमने तो छोड़ दिया ना, मतलब कि जो नाइट्रिक एसिड जो पर्सन होते हैं जब एंशियस होते हैं, ये कभी भी रिसॉर्ट नहीं होते, कोई रिएश्योरेंस से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो फॉस्फोरस जैसा आता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक को ही बोला जाता है इनको, जैसे बोला था ना जो एक जुल्फेसी लिखे है और भी राइटर्स ने लिखा, वेच जॉक होते हैं लोग, जॉक जैसे चिपक जाती है ना, ये लोग भी चिपक जाते हैं फिजिशियन से, जो पेशेंट होते हैं है ना, इनको रिसॉर्ट नहीं कर सकते तुम, और ये क्वेश्चनिंग कैसा होता है, हमेशा बहुत ज्यादा होता है, हमेशा हर एक चीज को लेके। लेकिन तुम हमेशा याद रखना इनकी जो क्वेश्चनिंग होगा, जो एंजाइटी जो होगी, किस चीज को लेके, ऑलवेज हेल्थ 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 को लेकर। तुम देख रहे बहुत सारे पेशेंट अभी आजकल आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ये कभी ट्रस्ट नहीं करते, तुम ट्रीटमेंट भी दोगे तो कभी तो जो मेडिसिन को खाएंगे नहीं कई बार को, और बोलेंगे कि नहीं हर कोई फायदा नहीं हुआ,
फियर ऑफ एग्रावेशन, अगेन स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स मेडिसिन के साथ में फियर ऑफ एग्रावेशन है ना, जो एंजाइटी इज अबाउट द हेल्थ एंड फियर ऑफ एग्रावेशन, दो स्ट्रॉन्ग पिन होते हैं इसके, वो चीज देखने को मिलता है। तो इनके साथ में देखोगे कब तक कि कई बार को कैसा होता है, पेशेंट आया थायराइड लेके आया, सर्टेन डिसीज लेके आया, डायबिटीज लेके आया, उनके क्वेश्चन कैसे कैसे तुमसे पाएगा, सर डायबिटीज का कोई हिस्ट्री क्या है आपको। और कई बार बेचारे जो यंग न्यू फिजिशियन होते हैं जहाँ पर पेशेंट नहीं है, भीड़ नहीं है, उनको भी टाइम मिल जाता है, तो फुल ऑफ एंजॉय करते हैं फिजिशियन के साथ में, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएंगे, अरे जल्दी ठीक हो जाओगे 2-4 महीने में। अच्छा कैसे ठीक हो जाएंगे सर, अब तुम बैठ के उन्हें मैकेनिज्म समझाओ, प्रोसेस समझाओ, उन्होंने पूरा 1 घंटे उसको प्रोसेस समझाया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आप खाओगे, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं हुए तो, अरे हो जाओगे, अरे सर नहीं हुए तो बताओ ना, और बीमारी बढ़ गई तो। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अब तो मेरे को रीअसर्ट करते रहो, समझाते रहो, और वो क्या नहीं होगी कभी भी रीअसर्ट नहीं होते, हमेशा एक क्वेश्चन के बाद उनके पास उनके कैसा होगा तुम्हारा क्वेश्चन, तुम कहोगे दवाई लो बताना, पता चला कि उन्हें देखा कि डॉक्टर थोड़ा सा माइल्ड है, पल्सेटला टाइप से, डॉक्टर थोड़ा ब्राइट है कलर से है, डॉक्टर थोड़ा लाइकोपोडियम टाइप से है, या डॉक्टर थूजा टाइप से है, इसको तो पैसे में भी इंटरेस्ट है साथ में, है ना, तो हमेशा घर जाके फोन लगाएंगे, अच्छा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना, विश्वास है आपको ना, आपने से किस ठीक किए ना, तो यार क्या पेशेंट पकड़ लिया यार, ऐसा तो हद ही कर दी, मतलब तुमने नंबर दे दिया तो भी तुम्हें क्या करेगा, परेशान करेगा, और जब तक क्या, और मतलब कि तुमसे बात करने के बावजूद भी, सपोज तुम अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, अपने पेशेंट्स को लेके बहुत ज्यादा केयर है तुम्हारे अंदर, तुम उसको फिर भी बात करते जा रहे हो, ठीक है यार एंजाइटी में, एंजाइटी में, लेकिन फिर भी वो बंदा क्या नहीं होगा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, नेवर सेटिस्फाइड, इसलिए बोला डिसकंटेंट और एंजाइटीज। और इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब तुम जैसे जैसे आंसर्स करते जाओगे उनके क्वेश्चंस का, उनके क्वेश्चंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे आजकल देखते हो ना तुम, आधा ट्रीटमेंट कौन ले रहा है, घर पे बैठ के यूट्यूब से ले रहे हो ना, खून बढ़ाने में क्या करें, बीपी बढ़ जाए तो क्या करें, आंखें खराब हो जाए तो क्या करें, चुकंदर का जूस पिए कि लौकी का जूस पिए कि वो सेब तोड़ के पीस के खाए कि लहसुन को पीस के खाए कि बरगद तो उल्टे लटके रहे 3 घंटे तो बीपी कम हो जाएगा, बाल आ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, जो यूट्यूब बता रहा है, गूगल से बता रहा है, वो हर कोई क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, और वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कई पेशेंट्स आते हैं, अभी जो पेशेंट थी, ये जो पेशेंट जिसका फोन था अभी, तो इसका हीमोग्लोबिन कभी सही नहीं रहता है, कभी नहीं, इस 37 इयर्स की हो गई है, इसका हीमोग्लोबिन कभी सही नहीं रहता, इसने एलोपैथी ले ली है, इसने सर्टेन वो आयरन टॉनिक्स पी लिया, जितनी भी टेबलेट्स खा ली हैं, ये चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, सब कुछ पी चुकी थी, ठीक है, सब कुछ पी चुकी थी, और रक्त पोषण के इंजेक्शन भी करवाने वाली है, लेकिन कभी भी हीमोग्लोबिन 6 से ऊपर नहीं गया। अभी जब आई थी तो उसको लास्ट टाइम मेडिसिन दी सल्फाइट 30 देने के बाद मैंने बोला 150% तुम्हारा ब्लड बढ़ जाएगा, तो सर 150% कैसे, हम जब कैसे थोड़ी बता पाएंगे, बढ़ जाएगा लेकिन गारंटी दे रहे बढ़ेगा तो जरूर। मैं भी थोड़ा सा उसकी टेस्टिंग के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में था, तो 100 की जगह 150% बोल दिया, अगर नहीं बढ़ता तो गालियां देती, ये भी सच्चाई बात है, ये तो हकीकत है ना, जितना ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो गालियां भी उतनी बढ़ेगी। लेकिन अभी उसने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट कराने के बाद उसका हीमोग्लोबिन आया 11.9 विद 15 डेज। तो मैंने बोला हीमोग्लोबिन तो बढ़ गया ना आपका, आपका टेंशन है, नहीं सर वो बीट बढ़ रहा है ना, वो सिम्बा जो भी डांस होता होगा वो करती है, सिखाती है, जो भी होता है, जुम्बा होता है क्या, जुम्बा तभी मैंने उससे पूछा जुम्बा, तो वो मैं हमें समझ गई थी उसने जुम्बा ही बताया होगा आपको, आपने पूछा ना ये क्या, उनसे कि क्या होता है जुम्बा, मुझे क्या पता जुम्बा, मुझे जुम्बा कर रहे हैं जुम्बा, ZUMBA, हां जो भी है उसे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, जो मतलब जो भी जो कर रहा है वो जाने, आप लोगों के लिए तो हमेशा नहीं रहेगा। तो मतलब उसको तुम कह रहे सर, एक चीज और थी अभी जब बोली तुम लोगों ने सुना होगा, सर मैंने एक आयरन का कैप्सूल खाया था आयरन बढ़ाने का, उससे तो नहीं बढ़ गया मतलब तुम्हारा हीमोग्लोबिन इतने सालों में जिससे नहीं बढ़ा, और तुम्हें अब क्या लग रहा है एक कैप्सूल से बढ़ गया, लेकिन तुम्हारे ऊपर क्या नहीं हो पा रहा है, रस्ट, सस्पिशियस, सस्पिशियस,
ठीक है, तो जो इनके साथ में देखने को मिलता है, ये कई पेशेंट्स होते, कई कई लोग आते हैं ऐसा, तो बहुत सालों बाद हुआ होगा। कल बैठा था, निधि अभी आ नहीं रही आजकल, घर गई हुई है, और कोई था भी नहीं, तो ऐसे ही बैठा था मैं। 9 बजे पेशेंट देखे होंगे, 9 बज रहे होंगे करीब, तो थोड़ा बिजी भी रहा था कल को। एक लास्ट का पेशेंट आता है, नया पेशेंट था कोई, तो उसे गूगल से देख के आया था, जस्ट डायल से देखा मुझे, तो डॉक्टर साहब आप ही हो? मैंने अभी तक तो भी मैं हूँ, आएगा पता नहीं, सर दिखाना था। मैंने क्या बोलूँ, डॉक्टर साहब आप ही हो? मैंने कि नहीं डॉक्टर साहब तो चले गए, क्लिनिक बंद करना है, 9 बज गए। तो कह रहा फिर हमने कल सुबह को आना, कल सुबह 12 बजे से बैठेंगे डॉक्टर साहब, 2:30 बजे तक, 9 बजे तो टाइम होगा, डॉक्टर साहब तो निकल गए। तो कह रहे भाई तो मैं कहूँ, डॉक्टर साहब निकल गए और चला गया पेशेंट। मतलब डाउट, सस्पिशन, मतलब कई सालों बाद हुआ है। पहले तो होता था तो समझ में आता था कि हाँ, क्योंकि तो अपन लोग उस तरीके से बड़े नहीं हो पाए जैसे आपके डॉक्टर से इमेजिन करके आता है। एक आदमी, एक जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर को बहुत बूढ़ा और उस तरीके से कि हाँ होगा 6-8 फुट का लंबा चौड़ा सा, बाल झड़ गए होंगे पूरे, कुछ बचे अपन लोगों तो सभी लोगों तो वही भी दाढ़ी मूछे रखे होगा, एक इमेजिनेशन सबका अलग रहता है, मतलब सीनियरिटी। चला गया पेशेंट, आया नहीं, मतलब सस्पिशन, मतलब यहीं से सस्पिशन शुरू हो गया ना। अगर वो पेशेंट बैठता तो पहला क्वेश्चन ही केस में क्लियर होने के लिए था ना, इतना डाउट क्यों है पेशेंट? तुम दिखाने आए हो, जो बैठा पहले बात तो करो, राइट ना? तो इन लोगों के साथ भी, मतलब जो पर्सन कैसे तुम्हारी सस्पिशियस, वेरी वेरी सस्पिशियस, सस्पिशियन को बताने के और देखने के तरीके कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल से होते हैं, है ना? तो दूसरा जैसे तुम देखोगे इनके साथ, फियर ऑफ एग्रेवेशन, अगेन स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स, फियर ऑफ एग्रेवेशन में तुम जाओगे हर एक चीज को लेके एग्रेवेशन, चीजें बढ़ तो नहीं जाएंगी, बढ़ तो नहीं जाएंगी चीजें। मतलब तुम उनके साथ में जाओगे, सपोज दैट तुमने बोला कि अनार का जूस एक आध बार पी सकते हो, उन्हें 2 बार ही पी लिया, अरे सर कौन लगा देंगे हल्के हल, सर अनार का जूस पी लिया मैंने, आपने एक बार बोला था मैंने 2 बार पी लिया है, ऐसे कोई कंप्लेन बढ़ तो नहीं जाएगी, इससे कोई बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी। और कई बार तो मेडिसिन ही नहीं खाते, होम्योपैथी पढ़ लिया, और होम्योपैथी पढ़ने के बाद तो क्या पढ़ लिया उनने, होम्योपैथी क्या करती है, एक तो धीमी धीमे काम करती है, पहले सिम्टम को बढ़ाती है और फिर घटाती है। अब वो भाई साहब के माइंड में बैठ गया, गूगल ने बता दिया होम्योपैथी पहले बढ़ाती है फिर घटाती है, अब उनके दिमाग में बैठ गया। अब वो तुमसे दवाई तो ले गए, अब वो जो डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, अरे दवाई खाए कि नहीं खाए, तो डायबिटीज है, ऊपर से जो मीठी गोलियां हैं, अगर ये मीठी गोली खा ली तो शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी तो कैसे ठीक होंगे, दवाई नहीं खाएंगे। हार्ट अगर बढ़ गई बीमारी और पहले बढ़ा दी तो घटाने का तो समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तो अगर हार्ट की बीमारी बढ़ गई और हम निकल लिए तो घटाओगे कब, शरीर तो चला ही गया, आत्मा आत्मा रह गई, वो आत्मा का तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, वो जब शरीर लेके आएगा तो फिर ट्रीटमेंट करोगे, सही है कि नहीं? तो उन लोग बेचारे कई बार दवाई नहीं खाते, वो 15 दिन बाद क्लिनिक पे आ जाएंगे फिर फीस देंगे, तो बोलो कैसे हो अभी सर, मजा नहीं आया, आराम नहीं हुआ। अच्छा दवाई टाइम पे खाई थी? वो तो खाई नहीं, क्यों सर? नेट पे पढ़ा था हमने, आप दवाई बढ़ जाती है, और तो पूरी कहानी सुना उन्हें, जो नए नए होम्योपैथ होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, और पूरा सब विस्तार से समझाते हैं, क्यों उनके पास भी टाइम है, उसके पास सुनने के लिए भी टाइम है, नाइट के बाद वो होम्योपैथी नहीं बढ़ाती है, कैसे बढ़ाएगी, ये तो सब मिथ है, कल्पनाएं हैं, किसी सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं। तो मैं एक्सप्लेन करते रहे, ऐसे पेशेंट लोगों को हैंडल कैसे किया जाए, ऐसे लोगों को हैंडल कैसे किया जाए, अपने आप में बहुत हैंडल कैसे करेंगे उनको आप समझा सकते हो, उनको रिअसोर्ड ही कर सकते हो, पागल हो जाएंगे डॉक्टर। हाँ डॉक्टर पागल हो जाते हैं ना अल्टीमेटली, तभी तो जो अच्छे फिजिशियन है वो क्या करते हैं, अपना नंबर ही कम देते हैं, वो लैंडलाइन नंबर देते हैं, मतलब लैंडलाइन में लगाते रहना, बाकी खत्म है, बाकी खत्म, गुड गुड। क्लिनिक टाइम पे होंगे कोई तो झेलेंगे, और जो अपना नंबर देते हैं तो रात को 2 बजे भी लगा देते हैं, एग्जैक्ट। नहीं, अपने को नुकसान और फायदा बहुत होता है, मैं बहुत पहले इनिशियल जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो इसका बहुत देखता था मैं, फोन इजीली रात को 2 बजे उठाता था, 3 बजे, लोग इतना मिसयूज करते हैं। एक जो लेडीज थी, मिसयूज ही तो हो रहा है 10 साल से, मिसयूज ही हो रहा है, 5 बजे उठी, उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो मुझे फोन लगा रही है सर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया, नहीं बधाई हुई तो पतिदेव को बोलो भाई, हमें को मुझे गा रही हूँ, फिर टेंशन हो रखा है, फिर स्ट्रेस हो तो बोलो,
अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गई है तो तुम ये पहली खबर तो अपने हस्बैंड को जाकर सुनाओ। अरे वो तो सो रहे हैं भैया, वो सो रहे हैं तो तुम किसको डॉक्टर को परेशान करोगे? भगवान, ये पेशेंट्स टफ है, टफ है सच में, मतलब हैंडल करना बहुत टफ है। वो जो आपने जो बोला ना गूगल सर्च करके आते हैं, उनको मतलब हैंडल करना और टफ है, काफी टफ है। अरे तो उनके पास नॉलेज पहले से लेके आए ना, कहानी कटे नहीं। उनको कैसे हैंडल करना, उनको मतलब जवाब देना है या साइलेंट रहना है? नहीं नहीं, जवाब भी देना है और हैंडल भी करना है और समझ में भी आए, शॉर्ट टू एंजॉय कर एंजॉय। वो कभी नाइट्रिक एसिड जैसे कभी रिएसोर्ट नहीं होने वाले, तुम ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करो अपना, तुम पीछे पड़ जाओ, सारे पेशेंट को छोड़ के उसी के पीछे पड़ जाओ। आज तो पूरी होमियोपैथी सिखा के मानेंगे हम तुम्हें, तभी हमें चैन आएगा, तभी तुम सीखोगे, पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा एग्रा विश्वास को लेके कैसा रहता है, बहुत ज्यादा फियर रहता है। मतलब कई बार को लेके ये लोग वो वाले पेशेंट थे कि जो तुम्हारे क्लिनिक में फॉलोअप पे भी आते हैं, और फॉलोअप पे भी तुम पूछोगे आराम है नहीं, फिर 15 दिन बाद आएंगे, तुमने बोला नहीं वेट करना है अभी तो हमें, और आराम है नहीं, तुमने मेडिसिन बदल दी। फिर 7 दिन बाद कोई आराम हुआ नहीं सर, वैसे ही चल रहा है और बड़ा सा लग रहा है, फिर मेडिसिन बदल दी तुमने। फिर मतलब 1.5 महीना निकल गया, फिर तो पूछा आराम है कुछ ठीक लग रहा है अब तो? अरे सर ये तकलीफ बढ़ती जा रही है, पहली दवाई से आराम था आपकी, तुम लोग यार पहले बताया क्यों नहीं आपने? अरे सर हमने सोचा कि हम बोलेंगे आराम नहीं आराम नहीं, तो आप हमें अच्छी सी दवाई दोगे, और साइकोलॉजी होती है उनकी, क्योंकि हम डॉक्टर को ये बताएंगे कि अभी तकलीफ बढ़ी हुई है तो वो और अच्छी दवाई देगा तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंजाइटिस इसलिए बोलते हैं, बेथुलकस लिखते हैं, अदर्स राइटर्स लिखते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ में कभी भी हैस्टी प्रिस्क्राइबिंग नहीं होनी चाहिए। अब जल्दबाजी नहीं, समझो, इसलिए बोला था कि आपके केस पेपर में जो लिखा है इस लेवल पे जाकर उसको चेक करो और डायरेक्ट जाओ। मैं तो कहता हूँ, मैं कई बार पेशेंट्स आता है बोलते हैं हमें कोई आराम नहीं है, तब फिर मैं उसको बोलता हूँ अच्छा वो पीरियड कैसा है, सिर दर्द कैसा है, अच्छा उस तकलीफ वो तकलीफ कैसी है, फिर अरे वो तो ठीक है सब, ये ठीक है वो ठीक है, क्योंकि पेशेंट जनरली किस पर फोकस करता है, जो एडजस्ट कर रही होती है, जिससे वो सफर कर रहा होता है, और जो ठीक हो गया है ना वो भूल जाता है। और तुम वहां पे अगर हम लोग गलती कर गए किसी पेशेंट के साथ, केस खो दिया, तो मेडिसिन में मेडिसिन बदलते गया, क्लियर नहीं किया, और मतलब पेशेंट को दूसरे लेवल से आराम देख रहा था अपन को, जिससे वेट कर सकते थे, और मेडिसिन करके हमने केस ही सत्यानाश कर दिया, पेशेंट भी इनक्यूरेबल चला गया। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट कैसे होते हैं ओवर सेंसिटिव, नाइट्रिक एसिड के लिए बोलते ना एवरी मेडिसिन प्रूव कर देते हैं, 8 नंबर का कौन सा है कैंट ऑब्जर्वेशन जो भी है, 80 तो ऐसा है, इडियोसिनक्रेसी कौन सा है, इर्थ ही है ना, इर्थ है आई थिंक, देख लेना भूल चुक ले ही देती घटा बढ़ा लेना जो भी हो, वैसे तो 8th नंबर है, मैं तो करेक्ट हूँ अपनी जगह पर। ठीक है, तो इनके साथ में मतलब कभी भी अपनी रेमेडीज को नहीं बदलना चाहिए। अगर तुम नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब कर रहे हो, अदर प्रिस्क्राइब कर रहे हो, इवन कैनाबिस इंडिका प्रिस्क्राइब कर रहे हो, इसको साइलिसिया दे रहे हो, लाइकोपोडियम दे रहे हो, जल्दी नहीं इनके साथ में, क्योंकि इनके साथ में अगर तुम जल्दबाजी में जाओगे अपना केस को खो दोगे, है ना। इनके साथ में तुम देखोगे, क्योंकि पर्सन कैसे कई बार को पेशेंट्स आता है, जैसे तुम पहला डोज देते हो, पहला बार तुमने प्रिस्क्रिप्शन किया, और प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद में पूछा सेकंड फॉलो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद पेशेंट्स आता है, अरे डॉक्टर साहब क्या दवाई दी थी आपने, ये देखो सिर दर्द हमारा बढ़ गया, पेट दर्द बढ़ गया, ये देखो स्किन कैसी हो गई है, पहले तो मेरी स्किन सही थी, अब तो लोग टोक रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आपका स्वभाव बदल गया है, आपने ऐसी कैसी दवाई दे दी, हमारी हेल्थ ही खराब कर दी आपने। मतलब वो क्या करेंगे, फुली तुम्हें ब्लेम कर देंगे, वो आप लोगों को ब्लेम कर देंगे, डॉक्टर को क्या फील होगा, अरे सर ऐसी कैसी दवाई दे दी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ब्लेम अदर्स ना, कहते हैं ठीक है। तो इस तरीके के जो पर्सन तुम्हें आ रहा है, इसलिए पेशेंट आ रहा है नाइट्रिक एसिड स्ट्रीट कर सकते हो, है ना, लेकिन ये नहीं कह रहा कि इनको, जैसे इनको भी फियर ऑफ कैंसर होता है, फियर ऑफ हार्ट डिसीज होता है, डॉक्टर पर डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, आर्सेनिक फॉस्फोरस में भी होता है, फॉस्फोरस को भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस के साथ में कैसा होता है, जनरली लोग
रीअसर्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बार बार कराते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन बार बार करता रहता है, नहीं इनको लगता है कुछ जरा सा कुछ हो गया बीमारी बड़ी हो गई, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और मिथोलोगस्ट तो लिखते हैं एक बार को बाद में जाके इनको डेफिनेटली कैंसर हो जाता है, क्यों साइकोलॉजी दिमाग बॉडी पे उनको कैंसर लेकर जाता है। तो कहते हैं बनीटनेस इन लोगों के साथ में रहता है, एंजाइटिस तो देखने को मिलेगी है ना, ये चीजें हमेशा इनके साथ में देखने को मिलेगा, मतलब फॉस्फोरस के साथ में भी होता है, उनको छोटा सा भी कुछ हो जाए हार्ट बीमारी तो नहीं हो गई फिजिकल हेल्थ को लेकर नहीं, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटीज देखने को मिलती है, मतलब क्योंकि ये लोग कैसे होते हैं इंडिसिसिव, ये लोग कैसे होते हैं तुम्हारे कोई भी जो जो भी जो मतलब बोलते हैं ना अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन वो हमारी जा रही है, इसलिए वो लगता है ना ये लोग लॉस्ट कर दिए होते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमारा जो माइंड पे हमारा कंट्रोल है वो छूटता जा रहा है। वो तो उनकी एक्सप्रेशन देखोगे चेहरे पे, एक बरीडनेस लाइन है, म्यूट करने बोलिए ना, म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है, एक बरीडनेस एक लाइन है चेहरे पे है ना, एक अलग तुम्हें देखने को मिलेगा, एंजाइटी सब देखने को मिलती है क्योंकि इनके साथ में कैसे बहुत ज्यादा इंडिसिसिव, जस्ट लाइक द वैरायटा कार दे आल्सो इंडिसिसिव, एंजाइटीज बहुत ज्यादा उनको भी लगता है, अनेबल टू टेक द डिसीजंस, इंडिसिसिवनेस, इनसफिशियंसी, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे, हम नहीं स्टैंड ले पाएंगे है ना, बोलते लेकिन दोनों में अंतर क्या है, साइलिसिया जो पर्सन है उनको रीअश्योरेंस चाहिए, तो हिम्मत देते हो ना दे आर ओके हम कर लेंगे हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन बोलते ब्राइटा कार के साथ में इतना ज्यादा एंजाइटीज होती है कि उनको जरा सा स्किन का इरप्शन लगा बड़ी बीमारी, जरा सा उनको लगा ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ गया हो गया कैंसर हो गया, इवन लाइपोमा, लाइपोमा जैसी बीमारी आई कैंसर, एक पेशेंट आता था मेरे नगर से, उसको पूरे शरीर पे लाइपोमा हो गया था, पूरा शरीर भर गया था, कुछ जगह नहीं बची थी लाइपोमा के लिए, सर बचेंगे नहीं अब तो, क्यों लाइपोमा है बेटा फैटी ट्यूमर है, कोई टेंशन की बात नहीं ठीक हो जाता है, आदमी तो मरेगा नहीं, मरता ही नहीं कभी भी, आज तक कोई नहीं मरा लाइपोमा से, ज्यादा ज्यादा क्या होगा तो भाई शादी नहीं होगी, अगर तुम बता दोगे तो बस उसमें दिक्कतें आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, मरोगे तो नहीं, तो कह रहा कि नहीं सर कैंसर है सर आपको पता नहीं है सर, देखा हमने फिर भी कैंसर का एक टाइप होता है, और उससे जब पूछा उन चीजों को लेके जो पर्सन था कि जहाँ पे जाके जो उसको स्टार्टिंग में जो पर्सन था उसको टीवी का प्रॉब्लम रहा था चाइल्डहुड में, टीवी उसको सफर किया हुआ था पर्सन था, और अभी भी इंडिसिजन हो सकता था, तो उसको लेकर ब्रेटा कार्ड दिया था, तो ब्रेटा कार से लाइपोमा को शानदार रिजल्ट मिला था, ब्रेटा लाइपोमा है इसलिए ब्रेटा कार नहीं, ब्रेटा कार है इसलिए उसको लाइपोमा डेवलप हुआ है, देखने का तरीका है अपना, मतलब ब्रेटा कार में भी लाइपोमा के लिए पढ़ते हो, कैंट में लिखा हुआ है, बोर में पढ़ते हो, एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लाइपोमा के लिए, देखो लाइपोमा भी कैसे लगते तुम्हारे कैंसर जैसे, लेकिन इनके साथ में कैसा होता है जब एंजाइटी जितनी ज्यादा रहती है कि इनको क्या होता है तुम्हारा छोटा सा छोटा अगर तुम एडवाइस भी दे रहे हो एक सिंगल वर्ड भी कह रहे हो उसको वो बहुत सिंसियरली ले लेते हैं, मतलब इनके लिए बोला था कि अगर तुमने मतलब इनको जो सलाह होती है बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, चाहे वो डाइट एंड रेजिमेंट्स को लेकर चाहे मेडिसिन को लेकर, क्यों क्योंकि जो भी तुम इनको एडवाइस दोगे उनका माइंड वीक है इसलिए वो उसको कैसे मतलब उसको फॉलो करते हैं स्ट्रॉन्गली स्ट्रिक्टली वेरी वेरी स्ट्रिक्ट नो डाउट, अगर जो भी प्लान ऑफ रेजिमेंट है प्लान ऑफ डाइट ऑफ रेजिमेंट बता रहे हो प्लान ऑफ मेडिसिन को लेकर बता रहे हो जो भी तुम उनको एडवाइस दे रहे हो वो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करते हैं कोई चेंज नहीं, तुमने बोल दिया ना एक बार को चुकंदर नहीं खाना है, तुमने बोल दिया गाजर नहीं खानी, तुमने बोल दिया अदरक की चाय नहीं पीनी, और तुमने बोला आज के लिए एक महीने के लिए 15 दिन के लिए, मतलब एक साल बाद पेशेंट आए डॉक्टर साहब अब तो अदरक की चाय पी सकते हैं अब तो कुछ एक आध गाजर खा सकते हैं, तुम कहोगे गाजर का मना किया खा सकते हो गर्मियां चल रही है, अरे सर आपने मना किया था ना तब आपको दिखा रहे आए थे आपने गाजर के लिए मना किया था,
राइट ना, और पता चला वो एक साल तक उन्होंने गाजर नहीं खाया, मतलब उनके साथ में कैसा होता है, तुम्हें कैसा चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉन्सियस, और उनको एंजाइटीज रहता है उनको, चाहे वो स्किन एब्सेंस हो, चाहे ग्लैंड स्वेलिंग हो, लाइपोमा हो, तो उनके साथ में भी हमेशा क्या होता है, क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ठीक तो हो जाएंगे डॉक्टर साहब, विश्वास तो है आपको, अच्छा जो कंप्लेन बढ़ रही है ठीक तो हो रही है, चलो हमें तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ना, अच्छा हम ठीक ही हो जाएंगे ना, पेशेंट देख रहा है, बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, तुम अगेन देखोगे एक मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है तुम्हारा, फियर ऑफ एंटीडोटिंग में कौन सी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, प्याज हाथ में ले ली थी, मेडिसिन एंटीडोट तो नहीं हो गई होगी, सर लहसुन खिला दिया था आज मुझे किसी ने, मेडिसिन रिएक्शन रुक तो नहीं होगा, क्यों हमने नेट पे पढ़ा है, होम्योपैथी में लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज से दूर रहना है, और तुम्हें रात को 3 बजे भी फोन ठोक देंगे, सर ये गलती हो गई, इसे मेडिसिन का एक्शन तो नहीं रुक गया होगा, कैनाबिस इंडिका, क्योंकि कैनाबिस इंडिका होता है तुम जानते हो कि 2 टाइप्स होते हैं, एक तो क्लोज होते पर्सनालिटी, ओपन पर्सनालिटीज होते हैं, तुम डिटेल में पड़े हुए, तो किसको के साथ में क्या एंजाइटीज डेवलप हो रहा है वो उस चीज कैसा होता है तुम्हारा देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, है ना, तो फियर ऑफ एंटीडोटिंग एक क्या है तुम्हारा, मतलब तुम यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ में कुछ जो पॉइंट्स है जो चीज देखने को मिलता है, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है, क्या इतना एंजाइटीज क्यों है नाइट्रिक एसिड के साथ, राइट ना, इतना जो ब्रोकन डाउन जो कंडीशंस हुआ तो ऐसा क्या हो गया लाइफ में, जो पर्सन इतना एंजाइटी में चला गया, है ना, मतलब हम लोगों ने एंड देखा एंजाइटीज पे, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट क्या है पिक्चर का, है ना, मेडिसिन भी कई बार पढ़ो तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बटी होती है, जैसे पुष्पा वन और पुष्पा टू, राइट ना, जो मूवीज देखते हो तुम लोग दो पार्ट वाले, वैसे ये है पुष्पा वन में हो तो पुष्पा टू में क्या होगा, और पुष्पा टू है तो पुष्पा वन कैसे होगी, जो भी मेडिसिन अगर तुम पढ़ोगे तो पूरे पर्सन पढ़ रहे हो, कई बार तो पूरी पिक्चर की पिक्चर मिल जाती है किसी का मूवी को देखो तुम तो, मूवी पूरी मेडिसिन की फिल्म मिल जाएगी अगर तुम देख रहे होगे तो ढंग से, राइट ना, इसमें तुम देखोगे पर्सन को बहुत जाते हैं, जैसे जो बिथुल कैसे लेके लेके जो पर्सन कैसे हैं तुम्हारे, मतलब कि नाइट्रिक एसिड ऐसे पर्सन में आता है, जैसे तुम्हारा काली ग्रुप या अदर्स रेमेडी जो होती है, जो नाइट्रिक एसिड जो इंडिविजुअल्स है, जो लॉ है, जो रूल्स है, उनको रिजिडिटी के साथ फॉलो करते हैं, दे आर वेरी सीरियस एंड वेल बिहेव पर्सन, है ना, मतलब तुम देखोगे जिनके साथ में कैसा होता है तुम्हारा, जो सफरिंग आती है किससे आती है तुम्हारी, सफरिंग कम्स फ्रॉम द लैकिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो बोर्डलाइन लिखते हैं,